काला जादू सुनते ही एकदम से दिमाग सबके खुल जाते, काला जादू किया है। तंत्र तंत्र होता है, उसमें काला सफेद आप करते हैं। आपके हिसाब से सबसे ऊपर कौन है? त्रिदेव जो है वो एक है, कभी तीनों अलग रहे ही नहीं। गणेश वो बन सकता है जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल, मूषक रूपी इंद्रियों पे कंट्रोल करेगा। मुझे स्वर्ग की कोई लालसा नहीं है, सच में नहीं, मुझे तो बस ईश्वर का साक्षात्कार चाहिए। तो मैं जानना चाहूंगा कि जब हडिम्बा के पास पहुंचते हैं, माँ हडिम्बा जो है जिनका मनाली में बहुत बड़ा दिव्य मंदिर भी है, तो वहां पे जाने के बाद ये जो एक अलग ही चीज पता चलती है टोना टोटका और ये सारी चीजें जो हमारा ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आती है, तो वहां पर ये सारी चीजें उस टाइम पे हुआ करती थी जहां पर हुआ करती थी। बस ये थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कीजिए कि जनता थोड़ा कनेक्ट कर पाए कि उस टाइम पर माँ हडिम्बा, उनके जो भाई थे, वहां पर राज्य था पूरा, फिर कैसे ये सारी चीजें हुई, और फिर जो उनके पुत्र थे खतोर कच्छ जो बाद में आए थे, उन्होंने भी उस चीज को सीखा और पूरा युद्ध में अप्लाई करा। राक्षस थे वो, तो उनका भाई था, हडिम्बा का भाई हडिम्ब था जी, ठीक है ना, तो वो तो उस वन से गुजर रहे थे पहले। हाँ। जब तो उनको मानव उसकी मांस की गंध आई तो उन्होंने कहा भैया खाना मिल तो है कोई, तो लेकिन जब माता हडिम्बा थी उनको भीम जी बड़े अच्छे लगे, उनके ऊपर उनका दिल आ गया था, कंपटीशन था फिर खाने का। हाँ, तो फिर वो छुपाने लगी कि भैया आप लोग सभी परिवार को हम छुपाते हैं, मेरा भाई तो खा जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था ये माँ ऐसे शूरवीर है कि भैया हिडिम को ही मार देंगे, ठीक है। तो तंत्र मंत्र देखो, राक्षसों में राक्षस प्रजाति के थे उस समय, राक्षस ऐसे ही हुआ करते, अलग दिखते थे, जैसे हम कहते हैं द्वापर में त्रेता में हर जगह राक्षस अलग अलग थे। तो कलयुग आ जाए कि भैया पता नहीं लगता कौन राक्षस प्रवृत्ति सामने सामने, सामने, सामने होते हैं, तो कौन राक्षस प्रवृत्ति का कुछ नहीं है, किसकी बुद्धि को बुद्धि है वहां से पता चलता है कि भाई जब तक आप बर्ताव नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा, ठीक है ना। कुछ चीजें हाँ कईयों को देख के पता लगता है कि ये सही राक्षस है, ये सही नहीं है। अब जहाँ तंत्र की बात है, हाँ उस प्रदेश में उस जगह पे ये सब चीजें होती थी, तंत्र होता था, लेकिन ऐसा कहना कि तंत्र वहां से शुरू हुआ नहीं, तंत्र तो काफी वक्त पहले से चलता है, महादेव और माँ गौरी की कृपा से शुरू हुआ, महाकाल से शुरू हुआ। महादेव ने माता गौरी को इस तंत्र की विद्या सिखाई थी उस समय पर। महादेव ने तंत्र जो रचा था वो लोगों के भले के लिए, मनुष्य जाति की भले के लिए किया गया था। अब उसके भी दो रूप है, एनर्जी के दो रूप होते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होते हैं ना, काला जादू और सिंपल योगी। अब काला जादू, तो काला जादू को तो यूं कहेंगे, काला जादू सुनते ही एकदम से दिमाग सबके खुल जाते, काला जादू किया है। अरे तंत्र तंत्र होता है, उसमें काला सफेद आप करते हो, अच्छे के लिए कर रहे हो, अच्छा तो सफेद। और अच्छा देखो, सफेद तो सफेद जादू क्या होता है, सफेद कुछ नहीं, काला जादू मतलब नेगेटिव किया जाता जी। हाँ, अब उस तंत्र को आप काला जादू कह दोगे तो लोगों के दिमाग में आएगा यही नेगेटिव, काला जादू किया गया। अरे किसी के बचाने के लिए भी किया जा सकता है तंत्र, जादू किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये आज से नहीं है भैया, सतयुग से है, भगवान महादेव ने महाकाल ने ये रचा था तो उन्हीं का है ये सब, ऐसा नहीं है कि हडिम्बा के वहाँ से शुरू हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, यहाँ से ना मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो शायद मेरे साथ साथ ऑडियंस के दिमाग में रहा है, रहेगा, और मुझे नहीं पता इसका सॉल्यूशन या इसका राइट आंसर कभी जिंदगी में मिल सकता है। त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, आपके हिसाब से सबसे ऊपर कौन है? पहली बात तो ये जानिए कि त्रिदेव जो हैं वो एक है, कभी तीनों अलग रहे ही नहीं। आप हो जी, ठीक है, आप ये भी काम करते हो, ठीक, आप घर भी चलाते हो, आप अगर आप शादी मल्टीटास्किंग है ना, ठीक है, ड्यूटीज अलग अलग है। अभी आप प्रोफेशनल हो, घर जाके एक होमली एकदम उसमें आ जाओगे, रेस्ट मोड, उस रेस्ट मोड में आ जाओ, कहीं रिस्पॉन्सिबल, कहीं पे डिसीजन मेकर, ठीक है। तो किसी को यूं कहना कि कोई सबसे ऊपर है ये मूर्खता है, ये नहीं होता, ऐसा नहीं है। ड्यूटीज जरूर अलग अलग है। देखो नारायण ने जैसे 10 अवतार, मूल 10 अवतार लिए भगवान नारायण ने, ठीक है। अब उसमें जो ज्यादा माने जाते हैं कि श्री राम,
राम जी का हो गया, भगवान कृष्ण का हो गया, परशुराम जी का हो गया, परशुराम वामन अवतार, वामन अवतार तीन पग में है, महाराज बलि से अपना तीन पग धरती मांग ली थी, ठीक है ना, एक में पृथ्वी नाप दी, एक में स्वर्ग नाप दिया, तीसरा कहाँ रखो, कहाँ रखो भैया, हमारे हमारे ऊपर हमारे सर पे रख दो कि भैया, और शुक्राचार्य जी मना करते रहे कि भैया मत दो, ये विष्णु है, कह रहे अब तो हो गया महाराज, हुक्म मंडल में छुप के बैठ गए शुक्राचार्य जी, तो वामन जी को तो पता था कि शुक्राचार्य जी है इसमें अड़चन डालेंगे, तो वामन देवता ने कमंडल में तीला मार दिया, उनकी आग ही फोड़ दी। तो ऐसा नहीं है, भगवान ने तो देखो ये 10 मूल अवतार जो हुए जी, ठीक है, ये क्या है, अलग अलग डिपिक्ट कर रहे हैं ड्यूटीज को, ठीक है, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान खंभे में से नरसिंह अवतार हुए, क्या वो सिर्फ उसी के लिए हुए, ठीक है, और वामन जो थे राजा बलि का अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने वहाँ पे वो जन्म लिया, क्योंकि वो राजा बलि स्वर्ग को भी अपना उसमें कर चुके थे अधिकार में, और इंद्र जगह जगह भटकते फिर रहे, देवी देवता सारे भटकते फिर रहे, तो उस समय भगवान ने अवतार लिया, ठीक है। भगवान कृष्ण का तो आपको पता ही है भैया, 16 कला संपूर्ण, ठीक है, महाभारत रच दिया, पहले अपने बाल गोपाल लीला दिखाई, फिर उसके बाद सारी की सारी ऐसी लीलाएं दिखाई कि जिसका वीर रस पूरा, कितने कितने बचपन में ही पूतना मार दिया, दासुर मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, दुनिया भर के असुर मार दिए, ठीक है। एक तरफ वो क्या कर रहे हैं, गोपियों के संग, अपने गोप गोपियों के संग माखन लीला कर रहे हैं, हैं, और एक तरफ वहाँ दूसरे से एकदम से स्विच होता है कि संहार भी कर रहे हैं, संहार भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। तो भाई आप एक आप बात बताओ, अब आप कहोगे भैया कि इसमें से कौन सी लीला भगवान की अच्छी है, कौन सी सुपीरियर है, कैसे इसमें से डिफरेंस कर पाओगे। अब मैं कहूँ महादेव ने इतने इतने असुर मार दिए, ठीक है, कार्तिकेय जी ने इतने असुर मार दिए, गणेश भगवान ने इतने असुर मार दिए, माँ भगवती ने चंड मुंड महिषासुर दुनिया भर की चीज़ें मार दी, दुनिया भर के असुर दुष्टों पापियों का संहार कर दिया, कैसे किसी को ये कहोगे ये अलग, ये सुपीरियर है, ये सुपीरियर नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। सबको महादेव, देखो ब्रह्मा जी को दायित्व दिया गया है, आप सृष्टि की रचना कीजिए, तो ये तीनों अलग हैं, अलग होते हुए भी अलग नहीं है, आपको दिखेंगे अलग। क्या इनका जन्म माता से हुआ था? बिल्कुल, शक्ति के स्वरूप है, तो मतलब फिर इन तीन एंटिटी से ऊपर भी माता जी हैं। हाँ, माँ शक्ति, माँ भगवती, आदि शक्ति जो सबसे ऊपर है वो आदि शक्ति है। त्रिदेव भी जिनसे बल लेते हैं, त्रिदेव भी जिनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, वो शक्ति का पूजन करते हैं, कहते हैं भगवान शिव राम का ध्यान करते हैं, ठीक है, राम भगवान शिव का ध्यान करते हैं, ये तो सबको दूसरे का पता है, लेकिन ये तीनों किसकी पूजा करते हैं, ये शक्ति की पूजा करते हैं। क्या आप में शक्ति है या मुझ में शक्ति है, ये कैमरा है, ये सब रिचार्ज मांगते हैं जी, आप रिचार्ज करते हैं ना उसको, भाई ये इसकी बैटरी लो है, रिचार्ज करो, आपकी हमारी बैटरी लो होती है तो हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, नींद लेते हैं, पीते हैं, पानी जल पी के अपना सो जाते हैं, भैया रिचार्ज फ्रेश हो जाए, सुबह फ्रेश मूड से नए सिरे से काम शुरू करें, ठीक है ना। तो इनको भी तो शक्ति चाहिए, इस दुनिया में शक्ति किसी के पास नहीं है, ये सब शक्ति उधार की शक्ति है, वो आदि शक्ति जगदम्बा की शक्ति, माँ शक्ति की है, उसी से ये शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति इसीलिए बोला जाता है, आर्द्र नारीश्वर रूप जो है भगवान का, वो यही बोला जाता है, वो समझाने के लिए कि आदि शक्ति, आधा नर आदि नारी, नारी, तो शव में ई की मात्रा लगाएंगे तो शिव बनेगा, नर के आगे नारायण। तो ऐसा होता है भाई, इनकी ड्यूटीज अलग अलग है, एक संभालेगा, एक क्रिएट करेगा, एक जग को संभालेगा, एक लास्ट में संहार कर देगा, डिस्ट्रॉयर। देखने में ये तीनों अलग हैं, लेकिन तीनों अलग नहीं है। फिर भी आरती होती है हमारे मंदिर में, उसमें क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु है, ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका, जानत विवेका, ये तीनों एका बोला जाता है, प्रणवाक्षर के मध्य तीनों एका, ये तीनों एका। तो क्यों बार बार बोला जाता है भाई, हर आरती में ये बोला जाता है कि भैया ये तीनों एक ही हैं, इनको अलग समझने की मूर्खता मत करो। अब हमारे सनातन में ये कह जरूर दिया गया है,
कि ब्रह्मा जी को श्राप मिला, उनकी पूजा नहीं होती। मैं इसी नेक्स्ट क्वेश्चन यही था मेरा। हाँ, एक गर्दन निकाल दी गई। हाँ, वो निकाल दी, श्राप मिला, मंदिर नहीं है, नहीं होती, वो क्रिएटर हैं, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। अब नारायण हैं, नारायण को, अब नारायण के ऐसे तो श्राप ही श्राप थे, श्राप थे, अब थे ना, अपने भगवान कृष्ण को श्राप मिले ना जी, क्या उन्होंने पूरा यादव समाज, यादव समाज अपने यदुवंशी पूरे मार के जाओगे तुम, द्वारिका पानी के अंदर पूरी द्वारिका डुबो कर पूरे यादवों का नाश करके अपने पुत्रों का संहार करके तुम स्वयं तब देखोगे कि कैसे 100 पुत्र तुमने मेरे मारे, जो गांधारी ने, हाँ, जो गांधारी ने दिया 100 पुत्र मेरे मारे, तुम्हें भी पता लगे पुत्र वियोग क्या होता है। तो नारायण तो क्या बोला, तथास्तु, बस कर दिया, कोई बात नहीं, आपने मुझे दिया, मैं वो पहले से डिसाइडेड है सब कुछ। और वो मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि कहते हैं रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ये एक्चुअल में आगे जाके इंसान को शिक्षा देने के लिए पूरी रची गई थी। हाँ, हमारा पूरा सनातन धर्म इंसान को शिक्षा देने के लिए ही है। हमारे अंदर देखो, अब मैं आपसे थोड़ा सा एक चीज कहूँगा, गणेश भगवान आप देखते हो, ठीक है, आपको भी समझ आ जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर। गणेश जी हैं, अब गणेश जी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, मैं थोड़ा सा आपसे पूछता हूँ, क्या क्या देखते हो आप गणेश जी को देखते हो? गणेश जी को देखते हो आज्ञाकारी पुत्र और बुद्धि में बहुत प्रबल, एक ये बोल सकते हैं कि जिसकी जिनकी सबसे पहले पूजा होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गणपति हैं, गणों के पति हैं, सभी गणों के सिद्धियों के दाता, रिद्धि सिद्धियों के दाता। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कि जो सनातन की बात आपने की कि सब में शिक्षा है, हाँ है, सनातन भरा ही साइंस के ऊपर है, विज्ञान के ऊपर है, ज्ञान के ऊपर है, और पूरा का पूरा हर एक एक शब्द उसमें मैसेज देता है उसमें। हाँ, कुछ गूढ़ रहस्य ऐसे छुपा दिए गए हैं, कुछ मंत्रों में, बीज मंत्रों में, सब में छुपा दिए गए हैं, ताकि जन जन मानस तक ये ऐसे ही ना पहुँच जाए। हाँ, ऐसे ही ना पहुँच जाए, क्योंकि इसका गलत उपयोग भी हो सकता है ना, ठीक है ना। अब गणेश जी को देखते हैं, गणेश जी कैसे हैं, कान बड़े हैं गणेश जी के, ठीक है, पेट मोटा है, ठीक है, एक भारी शरीर है उनका दिखाया जाता है, ठीक, रिद्धि सिद्धि दिखाई जाती हैं, उनकी पत्नियां बोला जाता है, शुभ लाभ उनके पुत्र बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखाया जा रहा है कि जो गणेश जी की पूजा करता है उसको ये रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ धन धान्य विघ्न उसके अगर जीवन में आते हैं वो सब हट जाते हैं और ये धन धान्य लाभ रिद्धि सिद्धि सब प्राप्त होती है, ठीक। अब मूषक जो है, मूषक क्या है, अब लोग कहते हैं एक भाई बहुत मोटा सा कोई है, देवता है या इंसान है, मूषक के ऊपर बैठा, इसको कैसे डिपिक्ट करोगे, ऐसे इसे डिस्क्राइब कैसे करोगे? भाई बड़े कान सुनने के लिए, पेट मोटा रास को छुपाने के लिए, समझे, और शुभता है, और चलते वो ज़्यादा नहीं है, मूषक पे चलते, एक छोटा सा मूषक उस पर कैसे बैठ जाते हैं? मूषक हमारा मन है, हमारी बुद्धियां हैं, हमारी इंद्रियां हैं। गणेश वो बन सकता है जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल, मूषक रूपी इंद्रियों पे कंट्रोल करेगा, जो अपने विचारों पे कंट्रोल करेगा, वो अपने दिमाग पे कंट्रोल करके उस पर सवारी करेगा। ये है सनातन, कितने अच्छे तरीके से इसे समझाया जाता है कि मूषक कुछ और नहीं, मूषक आपका दिमाग है। आपकी सोच है, उस पर कंट्रोल कीजिए, मन को शांत कीजिए, तो आप गणेश जी के समरूप उनकी विशेषताएं उनके गुणों के रूप को धारण कर सकते हो। ये सनातन देखो कितने अच्छे से मैसेज समझाता है। हम सिर्फ फोटो देख लेते हैं गणेश जी, अच्छा मुझे कभी नहीं सोचा, शिव भगवान की आप परिवार देखो, उसमें मोर भी है, मूषक भी है, सब एक दूसरे के, सब एक दूसरे के दुश्मन है, फिर भी रह रहे हैं। तो फिर क्या है कि भाई मन को शांत रखिए, मूषक है, मयूर है, नंदी जी हैं, नंदी अब वो वृष है, बैल है, काम के स्वरूप भी हैं, मतलब जैसे आप कहेंगे कि कोई बैल है तो भाई कहेंगे ना क्या बैल बुद्धि है, ऐसे बोलते हैं ना, क्या इसमें दिमाग ही नहीं है, बैल बुद्धि है। अब वो नंदी जी हैं, बैठे हुए हैं शिवलिंग के सामने, जहाँ नंदी जी भी शांत हो जाए। अब एस्ट्रोलॉजी में वृषभ
बोला जाता है, वृषभ राशि बोली जाती है, वृष बोला जाता है, टॉरस जो बोला जाता है, उन बैल का उस पर आता है कि बैल बना होता है, ठीक है। अब बैल में काम ज़्यादा होता है, काम यानी लस्ट कहेंगे, सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा कहेंगे, जो कुछ भी कह सकते हैं, जो कामदेव बनता है, कामदेव अलग, कामदेव मतलब एक टर्म के हिसाब से, हाँ। बैल में ज़्यादा होता है, ठीक है। जो काम के परिचायक है, काम के रूप में अगर बैल को माना जाए कि वो भी भगवान शिव के आगे आके शांत हो जाएं और आराम से बैठ जाएं, यानी कि भगवान ने तो काम को भी जीत लिया, एग्रेशन भी वो भी शांत होके बैठे, हाँ। इंतजार कर, हजारों साल हो गए हैं, भगवान शिव तपस्या में लीन है, नंदी जी बैठे आराम से बैठे, नंदी जी बैठे हैं आराम से वेट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, भगवान ने काम को भी जीत लिया, उस पर सवारी करते हैं, देखो माँ गौरा और भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, तो क्या मतलब हुआ इसका कि भैया जिसको कोई नहीं कर सकता भगवान उसकी सवारी करते हैं। सर इन सब चीज़ों में मेरे को एक क्वेश्चन भी पूछना था, थोड़ा सा पर्सनल भी हो सकता है वो, कि आपको लास्ट गुस्सा कब आया था? मुझे लास्ट गुस्सा कब आया था? क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इतना काम, इतना पेशेंस रखने के बाद, इतना ज्ञान रखने के बाद, कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत अहंकार में आ गए हो? अहंकार तो नहीं, या फिर कहीं बहुत गुस्सा आ गया हो? अहंकार एक अलग चीज हो गई, अहंकार अलग चीज, मुझे पता है वो, आप इस तरीके से भी इन उधर निकाल दोगे रास्ता को, फिर उसी वर्ड पे आते गुस्सा, अहंकार एक अलग चीज, गुस्सा तब आता है जी, गुस्सा तब आता है जब मैं बहुत गलत होते हुए देखता हूँ, वो तब आता है, फिर भी मैं ईश्वर पे छोड़ता हूँ कि कोई बात नहीं, कि किसी के साथ गलत हो रहा है। एक बार मैंने अभी आपको बोला मैंने कि एक बार धर्म जरूर बोलता हूँ कि भाई तू ये गलत कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी हो रहा हो कि भाई तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बार धर्म की शिक्षा जरूर देता हूँ, नहीं मानता तो फिर मुझे उसमें आता है गुस्सा कि हाँ इसने मेरी बात सुनी नहीं, ईश्वर का संदेश नहीं सुना, इसके साथ अब अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे गुस्से में कभी ऐसा हुआ है कि चलो अब थोड़ा सबक भी सिखाया जाए? हाँ सबक सिखाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? बोलते हैं भैया, जरूर बोलते हैं, देखो ऐसा नहीं है, भजन ध्यान करने वाले आदमी हैं भैया, और संत जनों का आशीर्वाद है, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद, माँ जगदम्बा की बड़ी कृपा है, और नियम पूर्वक अपना भजन ध्यान पूजा पाठ सब करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये करने के लिए और पुण्य कमाने के लिए है, ठीक है दुनिया पुण्य के पीछे है, स्वर्ग और नर्क के पीछे है, सब कुछ है, और कुछ लोग हमारे जैसे लोग, आप मेरी बात पूछोगे, मुझे स्वर्ग की कोई लालसा नहीं है, सच में नहीं है, मुझे तो बस ईश्वर का साक्षात्कार चाहिए, मुझे तो ईश्वर से बस उनके दर्शन चाहिए और कुछ नहीं।